कांटी विधानसभा क्षेत्र के झिटकाही मधुबन वार्ड संख्या 3 में लगभग 14 घर जलकर राख हो गया है। आपको बता दें कि जिसमें पूरे गांव में लगभग एक घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपको बता दें कि घर में आग लगने की मामला सूत्रों के मुताबिक लाइन की बताई जा रही है, जिसमें 14 घर जलकर राख हो गया है। अभी सूचना के मुताबिक कांटी विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी हैदर आजाद के साथ दर्जनों राजद समर्थक पहुंचकर अधिकारियों से बात कर सरकारी मुआवजा देने की मांग की है और अपने सहयोग से कुछ राहत सामग्री भी दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार ऐसी घटना कांटी क्षेत्र में घट रही है। आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र के झिटकाही से आ रही है, जहाँ पर लगभग जल गया पैसा उसा सब जल गया, गहना उना सब गोल बर्तन फिर से बकरी साइकिल कमर में सब जल गया। अभी तक कोई राहत मिला सरकार के द्वारा? मिला है 500 रुपया चूड़ा मीठा एगो पनीर मिला। कहाँ पे जला है, कहाँ पे पड़ता है? लाइन से जला है, मतलब कौन सा काम पड़ता है? नाम कैसे आग लगा है? हम न देखली कैसे। अच्छा तो अप्रूवे लगले, हम न देखली कैसे लगले। अच्छा तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका? ये कपड़ा लत्ता कागज पत्र 5-6 रुपया आ मुर्गी 2 बर बर्तन 4 चौकी टरंकल फरंकल ये सन आ एल्बेस्टर लगा 12 पीस चढ़े ले गई सब। अच्छा 5-6 रुपया लख और गाना रह लख वही में कम था। अच्छा राशन उसन कुछ को नहीं निकला? राशन में कुछ ना, वो देखो ना फोटो खींच लो। राशन रह लख आटा चावल आलू टरंकल परंकल में सब बिक रहे कोठी निकाल के। किन लगा है? हाँ क्या क्या नुकसान हुआ इसमें? एको सामान नहीं निकला, इसमें सारा जल गया। क्या क्या जला? इसमें दहेज का सामान वन था, लड़की की शादी था, मेरा सब जल गया। माल जल भी जला है, कुछ नुकसान भी हुआ है? ना माल। क्या नाम है? इनुस। इनुस। कितने आदमी का यहाँ घर जला? 14 का। 14 का सूचना मिली थी यहाँ पे? क्या यहाँ झिटकाही मधुबन पंचायत के वार्ड नंबर 3 में ये टोटल मुस्लिम बिरादरी का घर है, इसमें 14 से 15 घर जला है। 15 घर जल गया, कोई भी सामान इससे नहीं निकला है, बर्तन से लेकर खाने के सामग्री और कागज पत्र जितने इम्पोर्टेंट घर के जमीन से लेके पासबुक से लेके सारे चीज कपड़ा सब चीज जल गया। गरीब को कोई कुछ नहीं मिला, LIC के कागज डॉक्यूमेंट भी सारा चीज पैन आधार सब चीज जल गया, कुछ नहीं बचा है इसमें। और अभी तक प्रशासन के सिर्फ आया है खाना पूर्ति करके चला गया, जब तक ये लोग भूखे हैं। अभी कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, सब लोग आके जन सहयोग से व्यवस्था हो रहा है। इतना ढीला व्यवस्था है सरकार का, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। अभी फ़ोन किए हैं, बात हुई है तो बोला कि कल चेक मिलेगा तो पैसा आया, तब तक क्या होगा, क्या व्यवस्था है? आपदा है, इस समय जब घटना हो गई तो सरकार को तत्पर रह के इसमें संसाधन देना चाहिए ना, कम से कम भोजन बने, यहाँ चले मेस चले, भोजन बने। भोजन क्या लगता है पूरी तरह से सरकार फेल है? सरकार चार एकदम फेल है, कोई एकदम आंख मुन के पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है।